गाइज अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक ऑन योर चैनल आंसर कन्फेशन। तो व्यूअर्स कैसे हो आप, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो इस नई वीडियो के साथ हम आपके लिए एक न्यू डिज़ाइन लेके आए हैं और इसकी स्टिचिंग के बारे में आपको बताएंगे सारा डिटेल के साथ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जी तो व्यूअर्स, इस वीडियो में जो हम आपको दिखा रहे हैं ड्रेस डिज़ाइन, उसका कलर जो है वो पीस कलर है, इसको आप कैंडी पिंक कलर भी बोलते हो। तो शुरू करते हैं इसकी ड्रेस डिज़ाइन की डिटेल। तो सबसे पहले इसका नेक डिज़ाइन, सिंपल जनाब राउंड शेप में इसका नेक डिज़ाइन है और सिंपल रखने की वजह आपको नीचे नज़र आ रही होगी कि इसका यहाँ पे हमने काम कर लिया, इसे थोड़ा फैंसी बना लिया, तो उसके ऊपर फिर जनाब नेक डिज़ाइन जो था ना वो सिंपल ही सूट करता है, ठीक हो गया। तो इसमें किया क्या है हमने कि सिंपल जनाब फैब्रिक है, प्रिंट यूज़ नहीं किया हुआ, और उसके साथ उसी सेम शेड का पीच कलर का हमारा फैब्रिक है, पीच कलर का ही हमने नेट का यूज़ किया हुआ है और उस पर राउंड शेप, इसको आप कह सकते हो कि टॉप बनाया हुआ है। इस कुर्ते पे हमने टॉप बनाया हुआ है और उस टॉप को जनाब हमने स्टिच पहले किस तरह किया मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। अगर इस तरह हम आम करते हैं कटिंग कुर्ता की, उस तरह की कटिंग की, उसके बाद इसको हमने उसके ऊपर रखा और उसका जो बिल्कुल आपने जो मेजरमेंट करनी है ना कंधे से, वो भी आपने उतनी ही करनी है जितनी आपने सिंपल वाले फैब्रिक की थी, ठीक है। लेंथ आप कम ले सकते हो, लंबाई में थोड़ा इतना आप ले सकते हो, लेकिन आपको जो इसकी चौड़ाई लेनी होती है ना वो आपको उसी फैब्रिक के मुताबिक लेनी है जो आप नीचे यूज़ कर रहे हो, ठीक है। अगर राउंड शेप उसकी कट होनी है, उसके अंदर भी उतना ही आना है, तो सबसे पहले आपने जो नेट है और आपकी शर्ट का जो आगे वाला हिस्सा है उन दोनों को आपस में अटैच कर लेना, ठीक हो गया। पीछे वाले और आगे वाले हिस्से को अटैच नहीं करना, सिर्फ नेट को और शर्ट के आगे वाले यहाँ से कंधे से ले कर आपने फुल इनको अंदर से स्टिच लगा लेनी है, ठीक हो गया। उसके बाद आपने सारा यहाँ से इसको तैयार करना है, उसके बाद ही आपका जो है ना बैक और फ्रंट जो है फिर वो आपका जुड़ेगा। तो नेट के फैब्रिक के ऊपर हमने लगा लिए हैं इसकी सेम शेड पीच कलर के, हमने मोती का यूज़ किया है, रैंडमली ये मोती लगे हुए हैं आपको नज़र आ रहा होगा, लेकिन इक्वल फिर भी डिस्टेंसेज हैं इनमें, सेम डिस्टेंसेज हैं। उसके बाद यहाँ पर फ्लावर्स यूज़ किए हैं, तो इस तरह के मार्केट में आपको लेस भी मिल जाती है और बने बनाए फ्लावर्स भी मिल जाते हैं, लेकिन मैंने तो लेस ही ली थी और उसके फिर मैंने कट पीस करके उनको फ्लावर की शेप दे ली। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जी 10 फ्लावर्स लगे हुए हैं इस टॉप पे। और इस टॉप की फिनिशिंग करने के लिए यहाँ पर फिर से लेस का यूज़ किया गया हुआ है, ठीक हो गया। वो भी पीच कलर का, ऊपर वाले मोती भी पीच, नीचे वाली लेस भी पीच, और बस यहाँ पर जो आपको नज़र आ रहे हैं ना फ्लावर्स, तो ये वाइट कलर के हैं। इससे ये हुआ कि ये फ्लावर्स जो है ना ये बिल्कुल हाईलाइट हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ऊपर भी पीच, इसके नीचे भी पीच और ये फ्लावर्स भी ज़्यादा हाईलाइट हो रहे हैं। अगर आप यहाँ पे भी वाइट कर देते ना तो इन्होंने इतना हाईलाइट नहीं होना था। तो आपने देखा होगा कि आजकल जिस फैब्रिक का जो कलर होता है उसी कलर की डिज़ाइनिंग लेना है, ठीक है। थोड़ा बहुत आप टच दे लें तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक हो गया। ये आपको सारा टॉप नज़र आ रहा होगा इसका, तो बिल्कुल जो जनाब ये लग रहा है रेडीमेड आपने पहना होगा, जो आप अगर आप इसको रेडी करवा लेते हो तो बिल्कुल रेडीमेड टच ही लगेगा आपका। आप से ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस टॉप को। तो बात कर लेते हैं इसके दामन की, जनाब दामन वैसे है तो सादा, लेकिन आपको बताना ये है कि अगर आपने इसका ऊपर से टॉप बनवा ली है तो आप इसके दामन को आप हाले छोड़ो, उस पर कुछ मत करवाइएगा, क्योंकि अगर आप नीचे भी डिज़ाइनिंग करवा लेते हैं, ऊपर भी करवा लेते हैं, तो फिर वो किसी एक चीज़ को हाईलाइट नहीं वो कर पाएगा, ठीक है। ड्रेस जो है ना आपने बैलेंस रखना है, या तो फिर आप टॉप बनवा लें पर नीचे जिस तरह ये देखें प्लेन है नीचे से, तो इसका ऊपर से ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे जनाब इसको सिंपल रखा गया है इसके दामन को, और हैंड स्टिच ये देख रहे हैं आप, हैंड स्टिच का जनाब ये सारा इसके चारों तरफ मैंने हैंड स्टिच का यूज़ किया है, यानी सिलाई से इसको, सिलाई मशीन से इसको सिलाई नहीं लगाई, हैंड स्टिच से ज़्यादा नीटनेस आ गई इस ड्रेस की, ठीक हो गया। तो यार गाइस असी तो हम बिल्कुल थक गए हैं, गाइस पंजाबी है ना असी, इस वजह से पंजाबी निकल आई है दिल च। सो गाइस आपने हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, आपके एक लाइक से हमारा दिन बढ़ जाता है। अब चलते हैं हम शर्ट के स्लीव डिज़ाइन की तरफ। जी तो व्यूवर्स दिखाते हैं आप इसके आपको स्लीव्स। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आजकल जनाब यकीन करें लेसिस का इतना पहले था, लेकिन अब जो है ना हर चीज़ पे लेसिस लेसिस लेसिस, 1, 2, 3 आप अगर 4 किस्म की लेसिस भी मिलती हैं ना, आप एक ड्रेस पे लगा दें वो फैंसी का फैंसी ही बनता जाएगा, अच्छे से अच्छे ही लगेगा, क्योंकि लेसिस जो है आजकल फैशन में है, ठीक हो गया जी। तो आपको हम अपने स्लीव्स दिखाते हैं, हमने भी लेसिस का यूज़ किया हुआ है। तो चलें जी डिटेल बताऊं इसकी आपको, जैसे कि आपने इस शर्ट का अगला देखा
तो उस अगले वाली साइड पे मैंने उसका जो फ्रंट टॉप था वो नेट का था, सही है, उसी का नेट जो है, उसी तरह का नेट, सिंगल नेट जो है वो हमने पहले इसके अंदर लगाया है, ठीक है, दोनों पार्ट्स के अंदर एक नेट लगाया है। ये इस तरह अब विड्थ में जो है ना एक से डेढ़ इंच चौड़ा होगा, ठीक हो गया। तो उसके बाद जॉइंट लैसेस हैं, सही हो गया, दो लैसेस की स्ट्रिप्स लगाई, लेकिन उनको बिल्कुल साथ साथ लगाया, उनमें डिस्टेंस नहीं रखा, ताकि क्योंकि उसके बाद हमने इसके ऊपर मोती भी लगाने थे, फिर वो जब जो जॉइंट हो गए, ये देखें मोती बने तो ये खुद ही ये राउंड राउंड शेप बन गई, सही हो गया। तो ये सारी आप अगर स्लीव देखें तो बहुत ही एक अच्छी लुक आ रही है, ठीक हो गया। तो इसके आगे जब हमें इसे फिनिश किया तो वो लैस यूज़ नहीं की, उसके बाद हमने दूसरी किस्म की लैस यूज़ की, क्योंकि अगर हम उसी लैस को यूज़ कर लेते तो फिर उसकी लुक जो थी वो इतनी हाईलाइट नहीं होनी थी। तो इसके लिए इसमें वो यूज़ की है जो आप देख रहे हो यहाँ पे, इसके टॉप के नीचे यूज़ किया, ठीक है। टॉप के नीचे जो लेस है और बाजू की फिनिशिंग के आगे जो लेस है वो सेम है, ठीक हो गया। तो इस तरह की ये लुक है, पर्ल्स जो आपने अपने हिसाब से लगा लेने हैं, अपनी स्लीव लेंथ के हिसाब से। इस तरह की लेसेस बहुत हैं, राउंड शेप में, जिगजैग शेप में, आप किसी भी शेप की लेस लेकर अपने ड्रेस को इस तरह के स्लीव्स जो हैं वो तैयार करवा सकते हो। सो गाइस, ये है हमारी शर्ट का फाइनल लुक, आप देख सकते हैं कितना ही डिसेंट और यूनिक सा स्टाइल है। आप आसानी से अपने घर में इसको ट्राई कर सकते हो, आपको कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब नॉर्मल चीज़ें ईजीली मिल जाती हैं। सो देख सकते हैं आप, अगर आपको हमारा ये डिज़ाइन पसंद आया हो तो गाइज़ प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और लाइक भी कीजिएगा हमारी वीडियो के। इसके साथ ही अब हम आपको नेक्स्ट इसके कैप्री और इसके दुपट्टे का डिज़ाइन दिखाते हैं। तो ये है जी उस शर्ट का कैप्री, तो शुरू करते हैं जनाब इसकी डिटेल। तो इसके नीचे जनाब इसका जो पांचा का डिज़ाइन है वो राउंड शेप में जी। तो व्यूअर्स, आप दिखाते हैं आपको शर्ट का कैप्री। तो उस शर्ट का कैप्री जैसा कि आपने देखा, उसका जो था दामन बिल्कुल सिंपल था, तो अब उसका हमने जो कैप्री है ना उसको डिज़ाइन कर लिया, ठीक हो गया। तो सबसे नीचे जो है राउंड शेप में इसका कटवर्क बना हुआ है, कटवर्क का बहुत फैशन है, बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में जा रहा है, ये स्लीव्स में हो, चाहे दुपट्टों के पल्लों पर हो, या आप कह सकते हो अपने दामन पर बनवा लो आप, या आप कैप्री पर यूज़ कर लो, तो बहुत ही इन है, ठीक हो गया। और उसके बाद तीन उंगली का डिस्टेंस है, उसके ऊपर हमने जनाब यूज़ की है लेस, ठीक हो गया। मैंने आपको कहा आप अपने ड्रेस पे चार पांच जितनी किस्म की लेस भी यूज़ कर रहे हो ना, आप आजकल ट्रेंड में है तो आप लेसेस का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो ये इसमें वाइट कलर की लेस है, अंदर कपड़े को कट करके हो तो उसके अंदर लगाई गई है, ठीक है। आप उसके एजेस देख रहे हो, बिल्कुल नीटनेस। और उसके बाद फिर से तीन उंगली का डिस्टेंस और उसके ऊपर तीन प्रिंटेक्स डाल दिया हमने, सही हो गया। तो ये है ऑफ वाइट कलर का, उसके साथ कैप भी आप देख रहे हो जी। तो व्यूअर्स, वीडियो का नेक्स्ट पार्ट दिखाने से पहले आपको बताते चलें कि अगर आप हमारे चैनल पे किसी भी ड्रेस डिज़ाइन का आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो उसकी आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें हर डिज़ाइन की जो अलग से इमेजेस हैं, स्लीव की अलग से, नेक डिज़ाइन की अलग से, उसके कैपरी की अलग से जो है अपने तमाम सोशल प्लेटफॉर्म्स पर अपलोड कर दी हैं जी। तो व्यूअर्स, दिखाते हैं आपको इस ड्रेस का दुपट्टा। तो समर सीज़न में अक्सर जो है हमें सिंपल और प्लेन दुपट्टा जो है लेने पड़ते हैं, तो उस दुपट्टा को आप जो है अपने चारों तरफ हमने लेसेस के साथ कवर किया है। आप भी मार्केट से कोई भी लेस लेकर इसको आप बनवा सकते हो, लेसेस का ट्रेंड है, पहले ही बता चुकी हूँ। तो इसके कॉर्नर्स पे हमने जनाब कुमकुम का यूज़ कर लिया है, ये भी मार्केट में बहुत रीज़नेबल प्राइसेस में अवेलेबल हैं, तो इसको लगाने से थोड़ा दुपट्टा और फैंसी हो जाता है। तो थोड़ा मतलब आप इसको भी यूज़ कर लीजिएगा लेस के साथ, लेस का थोड़ा सिर्फ सिंपल लेस यूज़ करेंगे तो थोड़ा पुराना लगेगा फैशन, लेकिन अगर आप इसके साथ कॉर्नर पे अगर कुछ भी इस तरह का, ये तो हमने तो बिल्कुल सिंपल वाले कुमकुम यूज़ किए हैं, आप इस फैंसी भी यूज़ कर सकते हैं, मोती वाले भी यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह के आप चाहो, जिस तरह के आप अफोर्ड कर सको, आप उस तरह के लगा सकते हो उस ड्रेस के लिहाज से, उस फंक्शन के लिहाज से। तो ये था दुपट्टा, चारों तरफ से इसको कवर किया हुआ है लेस के साथ, आपको नज़र आ रहा होगा इसका ओवरऑल व्यू। तो वीडियो यकीनन जनाब उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, तो आप हमारी वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको हमारा ड्रेस कैसा लगा। तो हमें दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो तक मिलेंगे आपसे एक नए डिज़ाइन, नए कलर कॉम्बिनेशन के साथ, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।